स्वागत है। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैं नेहा मिश्रा शमशेर खान की खास खबर पर एक नजर। चरण वाघमारे ने कहा कि 18 सितंबर को छूटेगा पेच प्रकल्प का पानी। खरीफ हंगाम में धान की फसल के लिए बावनतड़ी प्रकल्प का पानी आज छोड़ा गया और पेंच प्रकल्प का पानी 18 सितंबर को छोड़ा जाएगा। उसी प्रकार चांदपुर प्रकल्प का पानी 18 सितंबर को और सूरना तालाब का पानी 20 सितंबर को, डोंगरगांव टांगा तालाब का पानी 20 सितंबर को छोड़ा जाएगा। ऐसी जानकारी विश्राम गृह में 15 सितंबर को लिए गए पत्रकार परिषद में आमदार चरण वाघमारे इन्होंने दी। आगे उन्होंने कहा कि किसानों के हित के लिए शासन वचन बद्ध है। तुड़तुड़े की भरपाई की रकम खातों में जमा न करने वाले बैंकों पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी उन्होंने कहा। देखते हैं खबर विस्तार से। इसी को लेकर सर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। आज के विषय थे, शासन ने तुड़तुड़ा मावक को जो आर्थिक मदद देने का जाहिर किया था, उसके हिसाब से 3 महीने के पहले किसानों को मदद देने के हिसाब से जिलाधिकारी और तहसीलदार उनके पूरी टीम ने किसानों की यादी बना के बैंक में पैसे भेजे। अब ये आपत्ति व्यवस्थापन में शासन निर्णय ये है, क्या जैसे बैंक को पैसे जाते हैं तो बैंक ने तुरंत किसानों के खाते में वो ट्रांसफ़र करना चाहिए, लेकिन गए 3 माह से किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र हुए नहीं। विशेष तौर पर देखा जाए तो जो नेशनलाइज बैंक है, SBI जैसी, बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक, ये बैंकों ने इसमें इतना डिले किया है कि मैं कलेक्टर को जाके मिला और उनको शासन निर्णय याद दिला दिया कि आपत्ति व्यवस्थापन में किसानों को तुरंत पैसा मिलना चाहिए। इन लोगों ने 3 माह से पैसे दिए नहीं, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मोहाड़ी और तुमसर मेरे विधानसभा क्षेत्र के 23,000 किसान ऐसे हैं कि जिनके खाते में अभी तक के पैसे गए नहीं, और उसके बारे में कल मैंने मेरे डिविजनल लेवल पे विधानसभा क्षेत्र के दोनों तहसीलदार को बुला के SDO के उपस्थिति में बैठक लेके उसका आढ़ावा लिया, तो मुझे पता चला कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के 23,000 किसानों को अभी तक के तुड़तुड़ा मावा की आर्थिक मदद मिली नहीं। दूसरा विषय यह है कि पिछले साल जो पीक बीमा का क्लेम किसानों ने किया, तो 5 अगस्त 2017 को हमने क्लेम किए थे, उसमें से इंडिविजुअली जिन लोगों ने बगैर लोन से बीमा निकाले थे उन लोगों को अभी तक के क्लेम मिला नहीं। जनरली शासन निर्णय में यह प्रोविज़न है कि 2 महीने के अंदर किसानों को क्लेम मिलना चाहिए, लेकिन मोहाड़ी के 272 और तुमसर के 45 किसान ऐसे हैं कि जिनको आज तक के बीमा का क्लेम मिला नहीं, 14 महीने होने के बाद भी। ये विषय को लेके मैं जिलाधिकारी को ये विषय ध्यान में ला के दिया कि आप इनके ऊपर, बीमा कंपनी के ऊपर कार्रवाई करो, इनमें जो जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे मैंने डिमांड किया, क्योंकि 2 महीने के अंदर उनको क्लेम नहीं मिला तो वो कार्रवाई के लिए पात्र है। तो मेरी डिमांड है कि आप उनको एक तो ब्लैकलिस्ट करो और किसानों को न्याय दो। तीसरा विषय है कि अभी अपने पूरे ज़िले के अंदर खेती में पैडी का क्रॉप है, धान का पीक है, और ये धान का पीक को अभी पानी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। लोगों ने पेच प्रकल्प का पानी छोड़ने की डिमांड की, तो पेच के बारे में मैं आपके माध्यम से किसानों को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि 17 तारीख के बाद पेच का पानी छूटने वाला है, ऐसी मेरी अधिकारी लोगों से बात हुई। बावन थड़ी का पानी आज शाम को छूट रहा है, चांदपुर का पानी 18 तारीख को छूटने वाला है, मेरे क्षेत्र में गर्रा पगेड़ा का तालाब है, डोंगरगांव का है, टांगा का है, वो 18 तारीख को छूटने वाले है, और सोंडिया टोला की बिजली कटी हुई है, उसके कारण हमारी उपसा सिंचन योजना 2 दिन के पहले से बंद हुई। सोंडिया टोला का पानी चांदपुर के जलाशय में जाता है, अभी तक के 32 फुट पानी चांदपुर में हुआ है, उसकी कैपेसिटी 36 फुट की है, 4 फीट पानी और भी हम पा डाल सकते हैं सोंडिया टोला का, तो उसके लिए हमारी डिमांड गई है 17 लाख रुपये सैंक्शन हो चुके हैं, वो पैसे जैसे रिलीज होते हैं वैसे बिजली जोड़ी जाएंगी और कनेक्शन चालू होते बराबर 4 फीट पानी चांदपुर जलाशय में सोंडिया टोला का भरा जाएगा। उसके बावजूद भी जो छोटे छोटे प्रकल्प है, हमारे मध्यम प्रकल्प नागठाना है, नागठाना शुरू हो गया, बेटेकर बोतली का पानी चालू किया हमने और सोरने का पानी 18 तारीख को शुरू करने वाले हैं।
पहुंचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़। नमस्कार।